हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान वाली सीरीज़ को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 30 दिसंबर 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था वो कब शुरू किया गया था? वो किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए हैं? 50% सीटें किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। स्वाधार योजना रिलेटेड है, संबंधित है किससे? संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालय को कहा जाता है, यानी कि जो दृष्टिबाधित विद्यालय है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्पर्श। आश्रम बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या उद्देश्य था? बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। जो बेरोजगार कामगार थे उनको क्या? सामाजिक सहायता प्रदान करना। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है वो क्या चीज़ उपलब्ध कराती है? वो कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। कौन सी योजना प्रदान कराती है, उपलब्ध कराती है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पर स्थापित है? तो ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। जो ग्रीन कार्ड योजना है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है परिवार नियोजन से। इनकी डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो ये किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश किस जिले में? रामपुर में है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है, इसमें किस डिस्ट्रिक्ट में ये है अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीकरण? ये कहाँ हो जाएगा? रामपुर में हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन केंद्र सरकार योजना नहीं है? यानी कि इन जो योजना दी गई है, इन योजना में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस वे किसकी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अत्याचार अधिनियम कब बना था? तो ये कब बना था हमारा? ये बना था 1990 में। यानी कि डी आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। तो ये कब गठित किया गया था? 1993 में किया गया था पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी के लिए। अगला दिया गया, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? जो समेकित बाल विकास परियोजना थी ये प्रदेश में कब से चल रही है? ये चल रही है 1975 से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन योजना शुरू की गई? जो एक योजना चल रही थी उत्तर प्रदेश में, काम के बदले क्या? अनाज देते थे। तो इस योजना का फिर किस में विलय किया गया? वो किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, जैसे हम मनरेगा कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सबसे कम प्रतिशत किस डिस्ट्रिक्ट का है? जिसमें जो BPL के लोग हैं, जो BPL हैं के लोग हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग, उत्तर प्रदेश से किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है? तो है बागपत में। बागपत में BPL वालों की संख्या सबसे कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, सबसे कम पॉपुलेशन किस में? बागपत में है। प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया था, जो प्रांतीय रक्षक दल था इसका गठन कब किया गया था? इसका किया गया था 1947 में। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1999-2000 में। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो वंदे मातरम जो योजना है वो किससे है? स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है। कौन सी योजना? वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है वो कौन सा हो जाएगा हमारा?
इसमें से दिए गए हैं कौन कौन से दिए गए, राजकीय संग्रहालय, इसका हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर, राजकीय संग्रहालय कहाँ पर, ये लखनऊ में हो जाएगा। बीबी गृह राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो बीबी गृह राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा नोएडा हमारा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, तो राज्य में कितनी राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, तीन है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि जो दीनदयाल उपाध्याय थे उनके नाम से दिया गया है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश का जो कृषि अनुसंधान परिषद है वो कहाँ पर स्थित है, वो है लखनऊ में। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर, ये भी लखनऊ में स्थित है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट वाला। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये कहाँ पर है, ये है मेरठ में, कौन सा, आलू अनुसंधान केंद्र। अगला देखते हैं भारतीय शाकभाजी, यानी कि जो शाकभाजी है वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय शाकभाजी शोध संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी में है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर है, कानपुर में हो जाएगा, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर कानपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान, तो केंद्रीय उपोष्ण संस्थान है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है, जिसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, इज्जत नगर बरेली में स्थित है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ये कहाँ पर की जा रही है, ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें से गलत जोड़े को चुनना है, चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया एग्रो पार्क लखनऊ, तो ये तो सुमेलित है, एग्रो पार्क लखनऊ में है। अप्रैल पार्क नोएडा, ये भी हमारा सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर कहते हैं, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव, ये सब सुमेलित दिए गए। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से भी हमें क्या करना है, ऐसा जोड़ा छांटना है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया बायोटेक पार्क लखनऊ में, तो ये तो सुमेलित है। फिर दिया गया टोन का सिटी नोएडा में, ये हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, सहारनपुर में, पेपर टेक्नोलॉजी। भारतीय चारा गाय एवं चारा अनुसंधान स्थित है, तो ये कहाँ पर है, झांसी में, इंडियन फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। अगला क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ट अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, ये हो जाएगा हमारा कानपुर में, हैंडीकैप्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा खुर्जा, जो कि कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। भारतीय चारा गाय एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये झांसी में स्थित है, ये भी पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, उत्तर प्रदेश जो गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है ये कहाँ पर है, ये है सहारनपुर में। भारतीय वनस्पति शोध अनुसंधान अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कहाँ पर, लखनऊ में अवस्थित है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंगो मैंगो मतलब आम, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, ये हमारा है लखनऊ में हो जाएगा, ये सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वाला। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारा लखनऊ में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है।
कहाँ पर? वाराणसी में, सॉरी वाराणसी में स्थित है ये कौन सा इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है ये? वाराणसी में। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि जो भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी वहीं स्थित हो जाएगा, क्योंकि इंडियन वेटनरी रिसर्च है वो कहाँ पर है? वाराणसी में। वो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च कहाँ पर है? वो ये दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये हमारा बरेली में हो जाएगा, इज्जत नगर बरेली में। तो यहाँ पर वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। और पशु चिकित्सा कहाँ पर हो जाएगा? वेटनरी रिसर्च हो जाएगा हमारा बरेली उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट कॉलेज है वो कहाँ पर है? वो है लखनऊ में स्थित है। सूची वन को सूची टू से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो ये बीबी गिरी कहाँ पर है? ये तो नोएडा में है, तो हमारा इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। फिर दिया गया नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा आगरा में स्थित है। फिर दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये कहाँ? मेरठ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो ये कहाँ पर है? ये स्थित है हमारा मेरठ में स्थित है। नहीं, ये मेरठ में स्थित नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है? क्या दिया गया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो हाँ ये मेरठ में स्थित हो जाएगा हमारा, ये कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी वाला सही। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया सूची वन को फिर से सूची टू से क्या करना है? सुमेलित करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये कहाँ पर स्थित है? ये है कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। भारत खंडे संगीत संस्थान, जो भारत खंडे संगीत संस्थान है इसको तो कई बार पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया निराला आर्ट गैलरी, जो निराला आर्ट गैलरी है ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा हमारा प्रयागराज में स्थित है। फिर दिया गया राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है रायबरेली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये है आगरा में। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है, यानी कि पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी परियोजना इनमें से नहीं है, परियोजनाएं दी गई हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया थीम पार्क आगरा, तो ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। फिर दिया गया मेगा फूड पार्क बरेली, ये भी है। फिर दिया है टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, ये भी है। डिफेंस पार्क सहारनपुर शाहजहाँपुर, ये नहीं है। तो ये हमारा डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी, तो ये योजना कब शुरू गई थी? ये गई थी 15/11/2012 में। कब? 15/11/2012 में कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी? वुमेन पावर लाइन 1090। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है सारनाथ से प्राप्त अशोक इस भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किस में? सारनाथ में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ से प्राप्त अशोक का स्तंभ है से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? तो ये कहाँ पर है? सारनाथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।